राम राम साथियों, के हाल चाल। आज की वीडियो के अंदर हम आपको आलू उगाने पे ए टू जेड नॉलेज देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर वीडियो चालू करते हैं। तो इस बार हम दो वैरायटी के आलू बोएंगे, एक तो ये है 3797 और ये है आपका चिप्सोना। इससे पहले हमने पुखराज और ख्याति ये दो भी बो रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये आलू स्प्राउटिंग में आ गए हैं, तो इन्हें अब हम बो सकते हैं आराम से। फिलहाल इसमें ख़राब आलूओं की छटाई चल रही है, क्योंकि बीज ख़राब डल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे की फसल भी ख़राब निकलेगी। तो अच्छा बीज छांट के पहले इसे साइड रखा जाएगा, फिर बड़े आलू को काटा जाएगा और आगे की प्रक्रिया आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आलू होता है वो बीज से नहीं लगाया जाता, बल्कि आलू उगाने के लिए आलू को ही इस्तेमाल में लिया जाता है। दरअसल होता ये है कि जब भी आलू की हार्वेस्टिंग होती है, उस आलू को हार्वेस्ट होते ही कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है और फिर बड़े बड़े आलू जो हैं उनको बेच दिया जाता है खाने के पर्पज़ के लिए, और जो छोटे आलू होते हैं उनको हम बीज के पर्पज़ के लिए कोल्ड में पड़े रहने देते हैं, जिसको फिर हम अक्टूबर के अंदर कोल्ड से निकाल के खेत के अंदर सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके बीज के फॉर्म में यूज़ में ले आते हैं। तो आज खेत पे आलू की बुआई चल रही है, उसके लिए अब देख सकते हैं आलू स्प्राउटिंग पे आ गया, तो ये परफेक्ट स्टेज पे है और यहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग एक बार फिर से करके हम इसे खेत पे लेके जाएंगे। अच्छा साथियों, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको आलू का छोटा साइज नहीं मिल रहा है तो आप बड़े आलू को भी बीज के तौर पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस आपको उस टाइम ये करना होगा कि जो बड़ा आलू आप ले रहे हैं उसको आपने दो या तीन हिस्सों में काट देना है और हर एक हिस्से में दो से तीन आँख आनी चाहिए, और उस आलू को भी आप बो के बीज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। माफ़ करिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला, फ़ोन भी बैटरी कम थी और ये रात में ही खेत प्रिपेयर करा है, तो कल हमने दोपहर में दूसरी बार इसमें कल्टीवेशन किया था और सुबह हमने फिर इस पर रोटाटिलर चला दिया। रोटाटिलर चला के हमने फिर इस पर ये बेड बनाई, तो ये बेड हमने ट्रैक्टर से बनाई। इसके बाद ये जो नालियाँ हैं इनको थोड़ा सा खोद के ठीक करना होता है, तो दो लोग वो कर रहे हैं और ये बेड पे समतल कर रहे हैं, यानी कि इसको लेवल और प्लेन कर रहे हैं कि कहीं पर पानी ज़्यादा खड़ा ना हो। इसके बाद फिर हम इसमें आलू डालेंगे। आलू में हमारे बीज की वेराइटी है चिप्सोना और ये हमारा पिछले साल का ही जो आलू है उसका बीज है, टोटली ऑर्गेनिक है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। बाकी पालक उग गई है अच्छी, गोभी यहाँ पे अच्छी उग रही है, भिंडी तो अब टाइम चला गया है तो उसे हम काटेंगे। अच्छा दोपहर है, ठंडी हवा है और गर्म धूप है, इट्स अ प्लेजेंट टाइम टू बी एट द फार्म राइट नाउ। साथियों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आलू लगाने के लिए लैंड प्रिपरेशन यानी कि ज़मीन को तैयार करते हुए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम गहरी जुताई करेंगे। कल्टीवेटर के माध्यम से हम जो पुरानी कोई भी हमारी जड़ें होंगी या फिर अनडिकम्पोज मटेरियल है उसको हम कल्टीवेट करेंगे। उसमें अगर हमारे पास अड़ंगा ज़्यादा है खेत के अंदर तो उस केस के अंदर हम पहले हैरो चलाते हैं, फिर कल्टीवेटर मारते हैं और उसके बाद फिर हम रूटावेटर मारते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि खेत को हमने तभी तैयार करना है जब उसमें थोड़ी नमी हो। तो अगर आपके खेत में बाय चांस बारिश हुई है और उसके बाद जैसे खेत थोड़ा सूखता है तो उसी सिचुएशन के अंदर हम खेत को कल्टीवेट और रूटावेटर मारना चालू कर देते हैं, क्योंकि आलू लगाते समय खेत में थोड़ा गीलापन मेंटेन रखना होता है। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इरीगेशन सेक्शन पर जब आऊँगा तब समझाऊँगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब आप रूटावेटर चला देंगे उसके बाद आपने खेत में बेड बनानी है। अपने बेड की आपकी चौड़ाई 2 से 2.5 फुट तक की जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपका इरिगेशन मेथड क्या है, उसके हिसाब से आप बेड की विड्थ और लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। तो जी, अब बात करते हैं कि हमने अपना जब खेत तैयार कर लिया तो उसके बाद हमने बुआई कैसे करनी है। साथियों, आलू जो है उसको हमें ज़्यादा गहरा नहीं लगाना होता है, ये हमारा 2 से 3 इंची गहराई में बोया जाता है, और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग की बात करें तो एक आलू से दूसरे आलू के बीच में करीब करीब 6-7 इंची तक आप गैप रख सकते हैं। फिर आलू को बोने के बाद हम उसको मिट्टी से इस तरीके से ढक देंगे। हाँ, इसमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आप कि आलू जो आप बो रहे हैं उसको नाली के बिल्कुल साइड में सटा के मत लगाना। जहाँ पे भी हमारी नाली एंड हो रही है उससे 3 से 4 इंची अंदर की तरफ बेड पे आपने आलू को लगाना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप पानी लगाएंगे तो आपकी बेड थोड़ी सी इरोजन के माध्यम से पतली हो जाएगी, तो आपने आलू को बेड के अंदर लगाना है, नाली से 4 से 5 इंची अंदर। तो आप देख सकते हैं ये आलू की आँख है, तो इसको आधा काटा था, एक आई स्प्राउट में आके
कम से कम भी 1, 2, 3, 4 4 से 5 आलू इसमें बन रहे थे। साथियों बात करें सिंचाई की, तो पोटैटो के अंदर इरिगेशन में आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि आलू जब तक जर्मिनेट नहीं कर जाता तब तक हम इसके अंदर इरिगेशन नहीं करेंगे, यानी कि पहली सिंचाई 10 दिनों बाद होगी कम से कम। और अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आलू के अंदर लाइट इरिगेशन देनी है, यानी कि आपने कम मात्रा में पानी देना है। अगर आप इरिगेशन फरो के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि नाली के अंदर आप सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें नाली को आधा ही भरना है हमने। आलू के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लाइट की आती है, और जितने भी अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया की दिक्कत आती है वो ज़्यादातर पानी ज़्यादा होने की वजह से ही आती है। इसीलिए आलू को हमेशा बेड पे लगाना चाहिए और कम पानी देना चाहिए। तो भाई आलू के अंदर बहुत लोग बोलते हैं कि आलू हरे क्यों हो जाते हैं। आलू हरे होने का सबसे नंबर वन रीज़न यही होता है कि डेवलपिंग के स्टेज पे आलू के ऊपर अगर धूप पड़ जाए तो जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वहाँ वहाँ पे आलू आपका थोड़ा हरा हो जाता है। इसका इलाज ये है कि मिट्टी को चढ़वाना पड़ता है। तो हमारे आलू पे जैसे ये है बेड है, इसके अंदर मिट्टी से पानी लग के आपका ये बेड छोटी हो गई है, इसलिए आलू बाहर निकल रहे हैं और उन पे धूप पड़ रही है। धूप पड़ने की वजह से ये आलू हरे हो जाएंगे। साथियों अगर बात करें कि आलू का ग्रोइंग टाइम क्या होता है, यानी कि किस मौसम में लगाई जाती है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर आलू कोने कोने में लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्रॉप है, खाई भी सबसे ज़्यादा आलू जाती है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हाँ, आलू उगाने का अलग अलग जोन्स के अंदर अलग अलग टाइमिंग होती है। हमारे इलाके के अंदर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आलू लगाया जाता है, दिवाली से पहले पहले। और ऐसे के अंदर अक्टूबर 15 के अराउंड नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में आ जाता है, और ये टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है आलू की शूट्स के ग्रोथ के लिए, यानी कि फॉलिएज जो है पत्ते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। वहीं पर ही जब आलू फॉर्मेशन चालू होती है, यानी कि रूट डेवलपमेंट चालू होती है, तब तक हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 5 से लेकर 10-15 के बीच में आ जाता है, क्योंकि आलू की यहाँ रूट फॉर्मेशन दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में होती है। तो आप अपने इलाके से इस बात को ध्यान रखते हुए ये टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इलाके में कब आलू लगाया जाता है। तो इस टेम्परेचर को नोट करते हुए आप अपने एरिया के अंदर अपने मौसम के हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपने इस मौसम में अपने इलाके में खेती करनी है आलू की। फॉर एग्जाम्पल हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर अक्टूबर के अंदर मौसम आता है जब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम इस टाइम पे बुआई करते हैं। और जब रूट फॉर्मेशन का टाइम आता है, यानी कि आलू की डेवलपमेंट स्टेज का टाइम आता है, तो उस समय नवंबर दिसंबर के अंदर और ठंडी पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में हरियाणा पंजाब यूपी की बेल्ट में सर्दियों के अंदर आलू की बुआई होती है। वहीं पर ही अगर हम पहाड़ पे हैं कहीं पे, मान लीजिए हिमाचल या उत्तराखंड पे हैं, तो इस इलाके के अंदर गर्मियों में मई जून के टाइम पे 30 से 25 डिग्री का सेल्सियस रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आलू की बुआई गर्मियों में होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों के अंदर ही ऐसा बनता है कि 25 डिग्री के करीब वो पहुँचने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है सर्दियों में। तो ये आपको थोड़ा अपने एरिया के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कब बेस्ट टाइमिंग है आलू को उगाने की। साथियों हो सकता है कि आपके मन में अभी सवाल आ रहा हो कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा आलू ज़मीन के नीचे तैयार हो गया या नहीं हो गया। अब जब कोई चीज़ ऊपर होती है ज़मीन की, वो तो दिख जाती है कि टमाटर पकने लग गया है या फिर हमारी कोई और चीज़ तैयार हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन ज़मीन के नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर हम कैसे पता लगाएं कि इसको हार्वेस्ट करें या अभी और थोड़ा टाइम रुके। देखिए आलू के अंदर मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बताता हूँ। आलू में आप 2 टाइम पे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब भी आप अपने आलू के पौधे को देखेंगे और उसके ऊपर अगर फूल बनने लग गए हैं, तो आप ये समझ जाइए कि अगर इस पे ऊपर फूल है तो नीचे जड़ों में आलू बनने लग गए हैं या फिर बन चुके हैं। इस स्टेज पे अगर आप आलू को खोद लेते हैं तो वो आपका थोड़ा कच्चा आलू होता है। इसके अंदर आपको हो सकता है साइज तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इस आलू के अंदर आपको शेल्फ लाइफ नहीं मिलेगी। माने कि आपको आलू जो आप ये उखाड़ेंगे वो आला आलू आपका 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ये कच्चा आलू है जिसे नया आलू भी बोलते हैं। और जो ये वाले आलू की स्टेज है जिसके अंदर आप आलू को अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आलू को
स्टोर नहीं कर सकते, ये वाला आपका आलू 90 दिनों के अंदर लगभग लगभग तैयार हो जाता है खुदाई के लिए। लेकिन अगर आपको आलू को स्टोर करना है कोल्ड के अंदर या फिर लंबे टाइम तक आपको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो ऐसे के अंदर आप उस आलू को ज़मीन के अंदर ही रहने दीजिए, और तब तक रहने दीजिए जब तक ऊपर का पूरा तना सूख ना जाए। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने आलू को पानी नहीं देना है लास्ट के एक महीने बिल्कुल भी, नहीं तो आपका आलू बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर ऐसे स्टेज के अंदर जब आप खेत में सूखा देना चाह रहे हैं आलू का तना सुखाने के लिए, और ऊपर से राम जी बरस जाते हैं, तो ऐसे में आपका आलू का बहुत नुकसान भी हो सकता है। खैर, मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आलू को हम दो टाइम पे हार्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 90 दिन पे ही हार्वेस्ट कर सकते हैं जब उसके अंदर आलू बन जाता है, और आलू बनने का संकेत यह है कि आलू के ऊपर हमारे को फूल दिखने लग जाएंगे। साथियों, अगर अब हम आलू की हार्वेस्टिंग की बात करें, तो अक्सर जब छोटे स्केल पे आलू को लगाया जाता है तो उसे हाथों से या फिर खुरपी या कस्सी से खोद के निकाल लिया जाता है। पर आलू को जब हम खुरपी या कस्सी से या फावड़े से खोद के निकालते हैं, तो उसमें अक्सर खुरपी से आलू कट जाता है और कुछ परसेंटेज आलू बिकने लायक नहीं रह पाता, क्योंकि उस आलू पे कट्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जब लार्ज स्केल पे आलू करते हैं तो हम ट्रैक्टर के पीछे एक स्पेशलाइज मशीन लगाते हैं जो अपने आप आलू को खोद के मिट्टी से बाहर निकाल के इकट्ठा करती जाती है। पर हमारी अभी ये सिचुएशन थी कि हमारे पास पीछे की वो अटैचमेंट थी नहीं और आलू को खोदना जरूरी था, तो हमने जुगाड़ लगा के जो हमारी बेड मेकर अटैचमेंट है उसी को हमने आलू को खोदने के लिए यूज में लिया। इससे थोड़े से हमारे आलू तो कटे, लेकिन फिर भी हमारे पास आलू ठीक से निकल आया। पापा जी ने एक काम अच्छा किया है कि ये इस मशीन से आलू बढ़िया से खुद गए हैं, काफी लेबर की बचत होगी। लेकिन एक काम उन्होंने बहुत खराब कर दिया है, जो कि हमारी यहाँ पे सरसों थी उस पर चढ़ा दिया अपना ट्रैक्टर। ये नए जो भी होते हैं ना खिलाड़ी, ये ऐसे होते हैं, हम चलाएंगे ट्रैक्टर कल, अभी तो थोड़ा काम है, तो काम निपटाते हैं फिर आते हैं आपके पास, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह सुबह ही हम आलू खोदना चालू कर चुके हैं, क्योंकि और भी बहुत काम है जो पेंडिंग है। नए सीज़न की सब्जियों की बुआई अभी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे इसे अच्छे से साफ करके ऐसा डिवाइडर सा बना के ऐसे हम अभी आलू को 2 दिन तक स्टोर करके रखेंगे, थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद इसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग चालू होगी। इसी आलू को हम साल भर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आलू एक ही बार खुदता है और साल भर बिक्री के लिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। सोनिया, क्या हाल चाल? सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया, हम भी यहाँ से बहुत बढ़िया। आप गाजियाबाद से बोल रहे हैं शायद? यस सर, दिल्ली से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। अभी सर मैं 11th क्लास में हूँ, और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत छोटे लेवल पे भी टेरेस पे अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अपने लिए तो गा ही रहे हो ना? हाँ, बस ये है कि शहर में रहते हुए भी आप एक अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा पा रहे हैं, वो अमृत है। तो आपने आज के व्लॉग में इकोसिस्टम सर्विसेज पे हमारा सवाल था, उसका जवाब भी अच्छे से दिया है, और उस पर लाइक भी सबसे ज्यादा आया है, आई थिंक 70 है। तो हाँ, वो तो याद होगा ना, हर दोस्त पकड़ पकड़ के करवाए हैं। तो इससे भी और अच्छी अच्छी बातें आपको कोर्स में पता लगेंगी, तो वो आपको मिल रहा है, कल सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू। तो साथियों, आज गिव अवे के कॉन्टेस्ट का सवाल ये है, हमने ब्लॉग में आलू की बात करी है, आलू उगाना आपको आई थिंक काफी अच्छे से आइडिया लग ही गया होगा वीडियो देख के। तो अब मेरा सवाल ये है कि आलू को उखाड़ने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सही जवाब आप कमेंट में लिखिएगा, उस सही जवाब को जिसमें हैशटैग ऑर्गेनिक एकड़ लिखा हुआ है और सबसे ज़्यादा लाइक आए हुए हैं, उसको हम कल के व्लॉग के अंदर विजेता घोषित करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।